तो आज हम उस पहाड़ी चिकन की पूरी रेसिपी देखेंगे। इतना सारा घी डरना नहीं है आपको, घी डालने में टफ नहीं इसकी रेसिपी, सिंपल सी चीजें। हाँ, रेसिपी तो आएगी ना, पहाड़ों में खुशबू कैसे आती है एग्जैक्टली। आराम आराम से पकाता हूँ ताकि ये बढ़िया से बेहतरीन बन जाए। ये पूरा घी इसके ऊपर आ गया है। तो यहाँ पे साथ साथ चिली चिकन की तैयारी भी हो रही है और साथ साथ हमारी यहाँ पर ये भी रेडी हो रही है। ये रेसिपी हर जगह नहीं मिलता। वाह यार वाह। सॉल्ट पेपर ठीक है, और बैंकर्ड में मैरिनेट होता है। बस इसको रिप्रेजेंट कर सकूँ बढ़िया से, मैं बोल सकूँ कि ये मेरी माँ की रेसिपी है, एज अ प्राउडली। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आया हूँ दावतनामा। दावतनामा एक नई जगह है जो कि मालवीयनगर में, आपने देखा होगा डब्ल्यूटीपी के जस्ट पीछे ये जगह है। बिल्कुल नया रेस्टोरेंट है, आज ही इसकी ओपनिंग है। तो मैं आया तो सेटअप बहुत सही है, जैसा एक प्रॉपर रेस्टोरेंट का होता है, फाइन डाइन होता है। अब एक छोटा सा वीडियो सिर्फ ये देखने के लिए कि जगह कैसी है, ये देखिए। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Wanna be the greatest, everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. Food mein kya acha hai? तो जो इनके शेफ़्स हैं वो बहुत ही प्रोफेशनल शेफ़्स हैं और बहुत अच्छी अच्छी जगह पे उन्होंने काम किया है, और जयपुर के नामी रेस्टोरेंट्स में वो काम कर कर के आए हैं, होटल्स में काम किया है। और यहाँ पे जो इनका शेफ़ है वो एक पहाड़ी एरिया से है, सिक्किम से हैं वो। उनकी एक डिश है, उनकी मदर की डिश है पहाड़ी चिकन। तो आज हम उस पहाड़ी चिकन की पूरी रेसिपी देखेंगे और उसकी पूरी प्रिपरेशन देखेंगे और फिर खाएंगे और आपको उसका टेस्ट बताएंगे कि कैसा है। तो अभी हम चलते हैं किचन में और उसकी पूरी मेकिंग देखते हैं। आइए। वेलकम टू दावतनामा, आई एम शेफ साइमन। तो आज हम क्या बना रहे हैं शेफ? पहाड़ी चिकन। पहाड़ी चिकन, अच्छा ये कहाँ की डिश है? ये बेसिकली डिश जगह, ठीक है, ये मेरी माँ की रेसिपी थी। तो आपकी मदर की रेसिपी है जी। आप कहाँ से? मैं सिक्किम से। सिक्किम जी। ग्रेट, इसीलिए पहाड़ी चिकन है। जी जी जी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें? काजू लेते हैं, कोरिएंडर लेते हैं, ठीक है। इसमें है काजू, है कोरिएंडर, जीरा। अब ये पीस के कंप्लीट हो चुका है ना? पीस के कंप्लीट हो गया है। ओके, ये बाकी का भी हमने पीस लिया है और ये भी इस जग में डाल दिया है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है यार। तो ये पहाड़ी चिकन के लिए सबसे पहले आपने वॉक ले लिया? मैंने चाइनीज वॉक, क्योंकि इसमें काफी अच्छी हम टॉस कर पाते। अच्छा, मतलब आदत आपको इसकी है ना, टॉस करके बिल्कुल बनाने की। ओके, और ये बेसिकली ये चिकन जो है मेरी माँ तब बनाया करती थी जब घर पे कोई गेस्ट आते थे स्पेशली, है ना। तो मैं इमोशनली अटैच्ड हूँ इस चिकन से। तो हम बिना हिचकिचाए इसमें बहुत सब घी डालेंगे, सारा घी डाल देंगे। डरना नहीं है आपको घी डालने में, ठीक है। सही है यार, तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में घी डाला आपने इसमें। जैसे जैसे पकता जाएगा ना, घी दिखेगा ही नहीं आपको। जब ये पक जाएगा तो घी अपने आप ऊपर आएगा। जैसे आप लोग न्यारी खाते हैं, लैम्ब वगैरह, उसमें भी लॉट्स ऑफ घी ऑयल लोग पोर करते हैं, ठीक है। तो मैं स्पेशली विदाउट ऑयल इस डिश को प्रिपेयर करता हूँ। अच्छा, घी में ही सिर्फ आप प्रिपेयर करते हैं? इसलिए वन ऑफ द यूएसपी डिश है। अच्छा,
घी डालने के बाद में आप इसमें जो हमने अभी पेस्ट किया था वो इसमें डाल देंगे। मतलब ये बिल्कुल नए तरीके की रेसिपी मुझे लग रही है क्योंकि इस तरह की प्रिपरेशन पहले मैंने नहीं शूट किया। तो अभी इसमें आप क्या क्या डालेंगे? मैं डालूंगा सॉल्ट, सबसे पहले नमक, मैं डालूंगा चिली पाउडर, चिली पाउडर अभी सिर्फ ये दो ही डालेंगे आप। क्या कलर्स है यार। तो वहाँ पर तो आप इसको इस डिश को खाते रहते होंगे अपने भैया। सारी डिशेज है जो आपको ऑल ओवर जयपुर में 2-3 5-7 स्टार्स में चुनिंदे प्रॉपर्टीज में मिलेंगे। जैसे थुप्पा हो गया, डिमसम हो गया, ताइपो एक बेसिकली तिब्बतन और नेपलीज कुजीन का मिक्सचर करके उसको किंग ऑफ मोमोज बोलते हैं। तो इस टाइप की डिशेज हमने अपने मेन्यू में टुडे स्पेशल में रखे हैं। आइए ट्राई करिए, दावत नामा है ना। इसमें धनिया है जी, और इसमें जीरा है, और इसमें काजू है, राइट? ये तीन इंग्रेडिएंट्स हैं। ग्रीन चिलीज भी है। ओके और पूरा इसको घी में हमने इसमें डाल करके पकाया है अभी, है ना? बिल्कुल गायब हो चुका है, आप देख सकते हैं। पूरा इसमें डिजॉल्व हो चुका है, देख सकते हैं। हाँ, ये घी छोड़ने लग गया है बढ़िया से, ना? हाँ, घी छोड़ने लग गया है ये। ये ऊपर आ गया, मतलब अभी पक चुका है इसका, राइट? ठीक है, ग्रेवी। अभी मैरिनेटेड चिकन है जो मैं आगे से मैरिनेट करके रखता हूँ। ये किस चीज में मैरिनेट किया आपने? ये सॉल्ट पेपर, ठीक है, और बैंक कर्ड में, एंड जो तंदूरी बेस जो बनता है इसी टाइप में मैरिनेट होता है, ठीक है? इसको पोर डालेंगे, इसमें डाल देंगे, राइट? क्या बात है यार, क्या मतलब बहुत सही इसका, ऐसा लग रहा है साग में बन रहा है यार। जी, राइट? और ये चिकन है, आपको हर जगह अवेलेबल नहीं है ये रेसिपी, हर जगह नहीं मिलता क्योंकि ये क्रिएटेड रेसिपीज है। सिक्किम का रेसिपी, so this is puree of spinach, this is puree of spinach that we use in it generally, puree of spinach, palak ki puree hai, taki ek dish ko twist dene ke liye, matlab yaar color bilkul hi change ho gaya, bahut dark color ho gaya iska, aur taste bhi mere khayal se thoda sa enhance karega, right? ji elevate karega taste ko, pahadi means greenish hona chahiye mera jahan tak manna hai, pahadi ka matlab bilkul hara hara hona chahiye pahadon ki tarah, kya baat hai। तो ये रेसिपी मेरे ख्याल में आज से पहले मैंने तो नहीं देखी किसी वीडियो में या कहीं बनते हुए। तो इसमें इन्होंने बहुत सिंपल सी रेसिपी, अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल भी है ना, बहुत सिंपल। और आज बाकी हम खा के देखेंगे कि इसका टेस्ट कैसा है, राइट? लास्ट में हम इसमें क्रीम टच करेंगे थोड़ा सा। तो दोस्तों देख सकते हो आप, ये है पहाड़ी चिकन, और अभी ये क्रीम आ गई है, अभी क्रीम डलेगी इसमें, अब इसमें डल रही है। तो ये आप इसमें क्रीम डालो, है ना? और ये कितने चम्मच आपने डाला? चार टेबल स्पून आपने डाले हैं इसमें, राइट? 4 टेबल स्पून क्रीम। तब इसका जो हरा डार्क कलर है थोड़ा सा अब ये स्मूथ हो जाएगा, राइट? वाह। तो ये सिक्किम में भी ये जो डिश है ये सबके घरों में बनती है या ये वहाँ पर भी रेयर है? ये मान के चलिए सिक्किम में भी ये चुनिंदा घरों में बनता है, जैसे मेरे घर में तो बनता है जनरली, और बाकियों के यहाँ ये रेसिपी नहीं होगा शायद। और मैं इसमें थोड़ी सी अपनी आज तक जो एक्सपीरियंस था एज ए किचन में, तो एक दो ट्विस्ट किया इसमें ताकि इसको एज अ गेस्ट के मैं सामने सर्व करते वक्त इसको रिप्रेजेंट कर सकूँ बढ़िया से, मैं बोल सकूँ कि ये मेरी माँ की रेसिपी एज अ प्राउडली। कितनी क्वान्टिटी में बन रहा है यहाँ पर? ये मेरे यहाँ पे 3 पोर्शन अभी तो मैंने चिकन इसमें खाली एक पोर्शन का डाला है फुल, ठीक है? ग्रेवी मेरे पास 3 पोर्शन का है क्योंकि ये अचानक से ऑर्डर आ जाता है, तो इस ग्रेवी को पकाने मेरे को 45 मिनट्स मैक्स टू मैक्स लगते हैं। अभी तक ये सेट नहीं हुआ है प्रॉपर, तो पकने में थोड़ा और 10 से 12 मिनट का टाइम और लगेगा। ओके ओके, तो ग्रेवी आपने ज़्यादा रखी है ताकि कोई भी ऑर्डर आ जाता है तो इस ग्रेवी को ज्यादा देर नहीं लगेगी पकाने में, राइट? ओके ओके। तो यहाँ पे साथ साथ चिली चिकन की तैयारी भी हो रही है, जल्दी से एक ऑर्डर आ गया चिली चिकन का, तो वो भी रेडी हो रहा है, और साथ साथ हमारी यहाँ पर ये भी रेडी हो रही है। वाओ, स्पीड देखो यार सही है बस।
तो ये देखिए इसके ऊपर जो घी था, ये पकने के बाद घी जो है ना ये बिल्कुल ऊपर आ जाता है और ये पूरा घी इसके ऊपर आ गया है, यानी कि ये पकने लग गई है और ये लगभग पक करके रेडी हो गई है, देख सकते हैं आप। तो बेसिकली क्या है ये चिकन जो था ये मेरी माँ की ट्रायल एक्सपेरिमेंट डिश था एक दिन, ठीक है। तो माँ ने बनाया, काफ़ी घर में अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा ये डिश, है ना। तो हमने क्या है, जैसे जैसे मैं स्किल्ड होता गया तो मैंने अपनी किचन में इस चिकन का और बेहतर वर्जन क्रिएट करना चालू किया। तो आज आपके सामने ये एक यूनिक पहाड़ी चिकन आपके सामने आज आप ट्राई करेंगे और बताना आपको कैसा लगा। बिल्कुल बिल्कुल ये भी प्रिपरेशन मेरे लिए भी बहुत नई है और देख के बहुत अच्छा लग रहा है। स्लो कुक होता है बिल्कुल, जैसे मटन की तरह इसको स्लो कुक करना पड़ता है ग्रेवी को सेट करने के लिए। जितना आप स्लो कुक करेंगे उतना ज़्यादा फ्लेवर इसमें निखर के आएगा। ज़्यादा कुछ टफ नहीं इसकी रेसिपी, सिंपल सी चीज़ें। हाँ, रेसिपी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस कुकिंग में थोड़ा सा कुकिंग मेथड है, जैसे हाई फ्लेम लो फ्लेम होता है खाने के टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता हो। तो मैं इसको लो फ्लेम में आराम आराम से पकाता हूँ ताकि ये बढ़िया से बेहतरीन बन जाए। तो ये अब प्लेटिंग कर रहे हैं, मतलब यार अब क्या खुशबू आ रही है इसमें से, बहुत बढ़िया भैया। खुशबू तो आएगी ना, पहाड़ों में खुशबू कैसे आती है एग्जैक्टली। सही बात, बिल्कुल सही। पहाड़ी चिकन ना देखिए बहुत ही अच्छे से प्रोफेशनली प्लेटिंग हो रही है इसकी। यह है माहौल, देखो इतनी सही यार। वाह यार वाह। ये इसके ऊपर जिंजर स्लाइसेस, हम ऊपर से तड़का मारेंगे इसके ऊपर। तड़का, अच्छा तड़का रह गया अभी जी। वो भी घी का, इसमें यार घी का बहुत ज्यादा यूज हुआ है। आप देख सकते हैं मैंने ऑयल ना के बराबर यूज ही नहीं किया ऑयल तो यूज ही नहीं किया है। बहुत सही। तो दोस्तों अभी ये पूरा हमारा ये रेडी हो गया था, उसके बाद में प्लेटिंग हो गई। अभी इन्होंने दोबारा घी डाला है इसमें और घी का तड़का लगाएंगे इसके ऊपर। और जैसे मेरे ख्याल में निहारी की प्रिपरेशन के बाद निहारी में घी का तड़का लगता है, उसके बाद में पेश होती है, तो वैसा सही कुछ। तो ये हो गया है अभी। वाह यार, ये है माहौल, देखो यार क्या लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। तो शेफ अभी क्या बना रहे हैं हम लोग? हम बना रहे हैं मार्गरीटा पिज्जा। मार्गरीटा पिज्जा, तो बेस आपने डाल दिया इसके अंदर? जी, थोड़ा सा टोस्ट हो गया नीचे से, बढ़िया। अच्छा, थोड़ा मार्गरीटा पिज्जा बेस पे आपने ये सॉस लगा दिया है, राइट? हैंडमेड कैनवास से है, इटालियन फ्लैग होता है, वो होता है ग्रीन एंड ऑलिव्स का कलर का, ठीक है। अच्छा। तो ये बेसिकली रेड और ग्रीन को रिसेंबल करता है। अगर आप इटालियन फ्लैग भी देखोगे तो ये थोड़ा सा पार्मेसन चीज, इसके अंदर सनड्राइड टमेटो है, मोजरेला चीज है, टमेटो सॉस है। नाउ वी गोइंग टू टॉप विद पार्मेसन चीज। वाओ यार, सेकंड कोर्स के अंदर 1 किलोमीटर सेकंड कोर्स, सही लग रहा है। आप देख लीजिए इसको, प्लेटर बहुत बड़ा है। यहाँ देखिए, दिस इज द प्रिपरेशन। तो ये हमारा ऑर्डर लग चुका है, ये है तंदूरी, राइट? तंदूरी चिकन, तंदूरी चिकन, एंड ये है पिज्जा मार्गरीटा। पिज्जा मार्गरीटा विद ऑलिव ऑयल, ऑफ कोर्स विद ऑलिव ऑयल, राइट? ग्रेट यार। सो नाउ वी गोइंग टू डू आवर स्पेशल डिश, इट इज ये लोग बहुत professionals हैं, और अगर आपको किसी रेस्टोरेंट में इतना professional बिहेवियर और ये सारी चीजें देखने को मिलती है तो एक अलग ही स्वाद आता है, नहीं? So, this one right. is our chicken tikka, special chicken tikka it is. ठीक है, so okay. we are going to do with smoke. With what? Fire? Fire. Oh. ग्रेट यार, ओ वाओ, मतलब ये कुछ यूनिक है, ये आपको किसी और रेस्टोरेंट में देखने को नहीं मिलता है अमूमन। बहुत सही था, थैंक यू सो मच। थैंक यू। दिस इज़ अ तंदूरी चिकन। वो जो फायर प्रेजेंटेशन था बहुत ही सही था,
और ये है पिज्ज़ा मार्गरेटा विद ऑलिव ऑयल। तो प्रिपरेशन आप देख सकते हैं विद द मिनिमम टॉपिंग्स, लेकिन इसका जो बेस है वो ये लोग खुद ही प्रिपेयर करते हैं, बाहर से नहीं लाते हैं। तो ये है हरा भरा कबाब। हरा भरा कबाब वैसे तो आप सब लोगों ने बहुत जगह पर खाए होंगे। तो ये है आज की हमारी हीरो डिश और ये है पहाड़ी चिकन। आप देख सकते हो कितना सही लग रहा है यार, ये बिल्कुल डार्क, बट ये पालक नहीं है, मैं आप सब लोगों को क्लियर कर दूँ। ये है हरी मिर्च और धनिया और उसके अलावा जीरा और काजू होता है कैशो, उसकी ग्रेवी बना करके इसको प्रिपेयर किया जाता है। आप देख सकते हो कितना टेम्पटिंग लग रहा है, कितना सही लग रहा है। ये अदरक के लच्छे इसमें डाले हुए हैं ऊपर से, और ये ग्रीन चटनी, पिज्ज़ा, तंदूरी चिकन एंड दिस इज़ अ हीरो डिश जो कि है पहाड़ी चिकन। रोटियां लग चुकी हैं और ये है हरा भरा कबाब। अब स्टार्ट करते हैं, अब रहा नहीं जा रहा, जल्दी से स्टार्ट करते हैं और आपको खा के बताते हैं इसका स्वाद कैसा है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तंदूरी से स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सॉफ्ट है, अच्छे से प्रिपेयर्ड है, लेयर बाय लेयर। सी, सो हैव अ बाइट विद चटनी। जूसी है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है। बोनलेस चिकन स्लाइसेस हैं ये, तंदूरी चिकन, और फ्रेश है, अच्छे से मैरिनेटेड है। और जो चटनी होती है ना, चटनी अगर दही की चटनी अगर अच्छे से प्रिपेयर्ड हो ना, तो सबसे ज़्यादा जायका तो उसी का ही आता है। तो 50-50 का रेशो हो जाता है, इसका टेस्ट और इसका टेस्ट 100% टेस्ट आ रहा है, बहुत सही है। तो इसको तो फिलहाल थोड़ी देर साइड में रखते हैं, क्योंकि जो मुझे मेन चीज़ खानी है ना, वो मुझे खाना है सबसे पहले ये पहाड़ी चिकन। इसकी प्रिपरेशन अभी आप लोगों ने देखी, बहुत ही सही प्रिपरेशन थी। अब एक बार आप आगे आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है इसकी ग्रेवी, ये देखिए चिकन बहुत ही अच्छे से पका हुआ है, ये इस पे रोटी पे आ गया है। और इसकी ग्रेवी लेते हैं एक बार अच्छे से, और एक बड़ा सा बाइट लेते हैं और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। मतलब धनिया, ऐसा धनिया का टेस्ट और जीरा का टेस्ट जब मिलता है ना, ये जब कॉम्बिनेशन, हालांकि आपने पहले किसी चीज़ में खाया नहीं, मेरे को नहीं पता, लेकिन जब धनिया और जीरा का कॉम्बिनेशन मिलता है ना, तो बहुत सही एक जायका क्रिएट होता है। और घी का फ्लेवर बिल्कुल आ रहा है, इन्होंने देसी घी में इसको प्रिपेयर किया है, इसमें तेल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं हुआ, ना पानी का यूज़ हुआ इस पूरी डिश में। चिकन है, चिकन मैरिनेटेड था पहले, ये देखिए चिकन भी बहुत ही अच्छे से पका हुआ है, बिल्कुल अच्छे से अलग हो रहा है। और एक बार और एक और बाइट लेकर के, बहुत ही सही टेस्ट है, बहुत सही बना है, सीरियसली सुपर्ब टेस्ट, सुपर्ब। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारी रेसिपीज दिखाई हैं, हमने मुगलई कवर किया है, हमने रजवाड़ा चिकन मटन कवर किया है, लेकिन इस तरीके की प्रिपरेशन पहले हमने ना तो दिखाई है और ना ही खाई है जयपुर में तो एटलीस्ट। और ये पहाड़ी चिकन है, ये सिक्किम की डिश है, जो इनका शेफ़ है सिक्किम से, और उन्होंने बताया कि जो प्रिपरेशन है, ये जो रेसिपी है उनकी मदर की है, और टेस्ट सीरियसली बहुत सही आ रहा है, यूनिक टेस्ट है। तो मैं इसमें से थोड़ा और इसमें ले रहा हूँ। तो ये देखिए ये चिकन कितना अच्छे से पका हुआ है, ये बिल्कुल ईजीली अलग हो रहा है, देखिए बिना मेहनत के। और इसको एक बार इसकी ग्रेवी से उठाते हैं और बिल्कुल एक बार इसको रॉ खा के देखते हैं। इसकी जो ग्रेवी है ना, बहुत ही यूनिक, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है, बहुत ही यूनिक डिश है ये मेरे हिसाब से। तो आपने जयपुर में क्या, मेरे ख्याल से पूरे राजस्थान में ये डिश नहीं खाई होगी, और वैसे भी ये पहाड़ी डिश है, सिक्किम की डिश है, और किसी की मदर की डिश है, तो यूनिक तो होनी है। मुझे तो वैसे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, बट ये बहुत सी चीज़ें और हैं, एक बार टेस्ट करते हैं और बताते हैं बाकी चीज़ें कैसी हैं। तो ये देख सकते हो आप, ये है हरा भरा कबाब। कबाब के साइजेस आप देख सकते हैं, सही साइज़ है। और अभी इसको एक बार ये देखिए, प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है इनकी, अब एक बार खा के देखते हैं। बहुत बढ़िया,
हरा भरा कबाब की प्रिपरेशन आप जानते हैं, इसमें मटर होते हैं, इसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं, स्पिनच होती है, पालक होती है। बहुत सही टेस्ट कर रहा है। ये स्टार्टर्स होते हैं, खाने से पहले खाने की चीज़ है, बट क्योंकि हमने सब कुछ एक साथ लगवाया था तो अब खाने के साथ खा रहे हैं, बट बहुत सही लग रहा है। और सबसे अच्छी बात होती है जब कोई चीज़ ठंडी हो जाए और उसके बाद स्वाद देना, इसका मतलब समझ लेना उसकी जो प्रिपरेशन है बहुत सही की गई है। और ये ठंडा तो हो चुका है लेकिन बहुत सही टेस्ट कर रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे इसके प्रिपरेशन में, यहाँ पे ये मटर फ्राई करके दिए गए हैं। एक बार इनको भी टेस्ट करके देखते हैं। देखिए बहुत सही। वैसे तो जब चिकन मटन मेरे सामने होता है तो बाकी चीज़ें मैं अवॉइड ही करता हूँ, बट यहाँ जो इन्होंने सारी चीज़ें दी हैं उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और मैंने अपनी आँखों से देखी है। तो एक बार इसको भी टेस्ट करता हूँ। और इसमें ऊपर से जो इन्होंने ऑलिव ऑयल डाला ना, खा के देखते हैं। पिज्ज़ा मार्गरिटा पिज्ज़ा बेस ये खुद तैयार करते हैं, बाहर से नहीं मंगवाते। फ्रेशनेस दिख रही है क्योंकि शूट करते टाइम कुछ चीज़ें थोड़ी ठंडी हो जाती हैं, उसका थोड़ा सा असर है, लेकिन टेस्ट की अगर बात करूँ तो पिज्ज़ा का टेस्ट बहुत सही आ रहा है। ग्रेट। तो देखिए जगह आपने देखी कैसी है, एम्बियंस कैसा है आपने देखा, खाना बहुत ही अच्छा है मैंने यहाँ पे खाया। और स्पेशली ये जो डिश है, ये डिश पूरे जयपुर में आपको नहीं मिलेगी, पहाड़ी चिकन। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप कभी भी अगर मालवीय नगर आते हैं स्पेशली इस डिश के लिए यहाँ पे आया जा सकता है। मतलब मैं ये मानता हूँ कि एक ऑटो करके तो यहाँ पे आया जा सकता है इस पर्टिकुलर डिश को खाने के लिए। बाकी आप बाहर देख सकते हैं अगर व्यू, ये जो जगह है दावतनामा, ये WTV के जस्ट पीछे है। और जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ से पूरा बाहर का मुझे व्यू दिख रहा है। पार्किंग की यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह कि पार्किंग की कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और पिंक हार्ट मार्केट यहाँ से पूरा प्रॉपर दिखता है। तो कभी आप वीकेंड्स में आएंगे तो यहाँ की हलचल भी पूरी यहाँ पे आप अपना जो है डिनर एंजॉय करते करते देख सकते हैं। तो अभी अब मुझसे तो नहीं रहा जा रहा, इसको मैं कर लेता हूँ फिनिश। तो दोस्तों मैं आज जिस जगह पे आया हूँ और ये जगह जिसकी है उसको आप बहुत अच्छे से जानते हो, तो वो जगह इसकी है और ये है जयविंद। जयविंद आप जानते होंगे मालवीय नगर में जो GVD है वो इन्हीं का ही है। और ये जो जगह है फाइन डाइन ये भी इन्हीं की है। तो ये कैसे आया था, कैसे ओपन किया ये? मालवीय नगर में एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट नहीं था, कुछ अच्छा सा यूनिक सा, तो बहुत दिनों से माइंड में चल रहा था। जैसे कि आपने देखा होगा कि WTP के बैक साइड कॉर्नर की साइड एक चाप वाला रेस्टोरेंट था, इसका वीडियो आशीष जी ने डाला था, बिल्कुल डाला। तो इसके ही जस्ट साइड में, अपोजिट साइड में एक अपने फाइन डाइन रेस्टोरेंट डाला है। तो GVD में सारा यूथ जाता है फैमिली के लिए। इन्होंने बहुत टाइम से मेरे को जबन बोलता भी था कि यार फाइन डाइन जगह मिली और इन्होंने बैंग इसको ऑन कर दिया। तो जब भी आपको मौका मिलता है यहाँ पे ज़रूर आइएगा। बाकी आपने सारे रिव्यूज़ देख लिए, मेकिंग देख ली, और जो यहाँ का पहाड़ी चिकन है वो ज़रूर एक बार खा करके देखिएगा। सो दिस इज़ इट फॉर नाउ। अब मैं आपसे मिलूँगा किसी और वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी।